नमस्कार दोस्तों, आपका पहला सवाल है, सबसे पहले बल्ब किस देश ने बनाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। आपका अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी कावेरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पद्मा। आपका अगला सवाल है, डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी चूहे, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी कुत्ते। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मच्छर। आपका अगला सवाल है, किस फल को खाने से दांत साफ हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी लीची। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पपीता। आपका अगला सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्ष तक बढ़ता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 40 वर्ष। आपका अगला सवाल है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। आपका अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी झारखंड में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। आपका अगला सवाल है, कौन सा जीव 7 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिच्छू, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी मगरमच्छ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिच्छू। आपका अगला सवाल है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 8 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन, ऑप्शन डी 18 दिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 दिन। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी रेप्लेसिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रेप्लेसिया। आपका अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सरयू नदी। आपका अगला सवाल है, किस देश को दुनिया की छत कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तिब्बत। आपका अगला सवाल है, भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी शेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शेर। आपका अगला सवाल है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आग से, ऑप्शन बी चंद्रमा से, ऑप्शन सी सूर्य से, ऑप्शन डी बिजली से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्य से। आपका अगला सवाल है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अल्बानिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। आपका सही जवाब है
ऑप्शन बी अल्बानिया। आपका अगला सवाल है, फुटबॉल खेल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 12 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी, ऑप्शन डी 15 खिलाड़ी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। आपका अगला सवाल है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी ऋषि। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जिज्ञासु। आपका अगला सवाल है, कोलगेट में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी किसी का नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी किसी का नहीं। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ताजमहल।